She, you know, from on your card, your eyes looks like you was shocked. No, he said cat, not like belly dancer. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू केएसएफ एकेडमी। यार जो ट्रैश टॉकिंग चली थी ना कल वाले पॉडकास्ट में, मतलब मुझे जो मैंने सोचा था वो उससे कहीं ज़्यादा हाई लेवल पे गया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बैबकेन, डेनिस और डेवॉन ये सारे एक साथ में आने वाले हैं एक पॉडकास्ट में, जिसको अरमिन ने स्टार्ट किया। एंड मुझे लगा था कि मतलब बैबकेन, क्योंकि अभी डेनिस के कई सारे स्टोरीज में हमको देखने में मिल रहा था कि बैबकेन काफ़ी जगहों पर इंजॉय कर रहे थे, काइंड ऑफ लाइक प्राइवेट जेट एंड वो सब सारी पॉश चीज़ें वो हमको दिखा रहे थे। सो ऑब्वियसली बात है कि वो बैबकेन ही सारा चीज़ें मैनेज कर रहे थे उनका। एंड अब जो उनका रिसेंट अभी जो पॉडकास्ट आया, भाई साहब सीरियसली, लाइक उसमें ना क्या क्या चीजें कही गई थी। बैबकेन ने जो ट्रैश टॉकिंग में उन्हें कहा, मैं उनको मुंह पे, मतलब साफ साफ मुंह पे कहा कि ब्रो यू आर अ गर्ल, ड्यूड लाइक कम ऑन, यू कैन से दैट। कैसा होता है कि डेवॉन के हम स्टोरीज पे देखते हैं कि वो नेल पॉलिश लगाते हैं या पिछले मैचेस में उनके बाल बड़े थे, एंड कई सारे बातों पर ऐसा हमको सुनने में आया कि डेवॉन ने कहा है कि आई फील मोर लाइक अ गर्ल समटाइम। ओके, सो उन्होंने डायरेक्टली उसको कहा कि शी वॉन्ट्स टू फाइट समथिंग। उन्होंने रिस्पॉन्स में बोला हु शी, मतलब उन्होंने उसका जो ट्रैश टॉक का रिप्लाई दिया डेनिस को शी बोलते हुए। एंड व्हाट्स हैपेंड, हु इज कमिंग और शी कमिंग इनसाइड, शी कमिंग, शी योर, यू नो, फ्रॉम द अदर पर्सन, यस, योर द अदर पर्सन हु इनसाइड यू। रियली आई थिंक इट्स बिग प्रॉब्लम, I'm worried about you, really. Yes, it's good. It's very good. You are a sensitive person, and I feel it too. I feel it. I'm right there with you, Babkin. I feel it. I want to make sure things go slow, okay? I've been hurt before. You know, very slowly, very respectable with you. Don't worry. He will do the best. You will not be hurt. Hello? बैबकेन ने, यू आर अ गर्ल, यू आर अ चाइल्ड, डेवॉन इज अ टीनेजर, डेवॉन इज अ कैट, कैट बिकॉज वो कभी बोलता है कि मुझे फाइट करनी है, कभी बोलता है मुझे फाइट नहीं करनी है, यू आर अ बैली डांसर। ये सारी चीजें डेवॉन को बैबकेन ने मुंह पे कही। एंड जो बैबकेन को रिप्लाई मिला वो था डेवॉन के थ्रू कि यू बोथ गाइज आर लाइक गे, आई फील यू गाइज आर लाइक गे, यू गाइज आर डेटिंग ईच अदर। एंड जब उन्होंने कहा था बैबकेन ने डेवॉन को कि यू आर अ बैली डांसर, तो डेवॉन ने उसका रिप्लाई देते हुए ये कहा कि वेन योर मैन इज सिटिंग राइट बिहाइंड यू, यू शुड नॉट प्रेस सम अदर गाय। मतलब अगर आपका बॉयफ्रेंड अगर आपके बगल में बैठा है या आपका पार्टनर आपके बगल में बैठा है, तो आपको किसी और इंसान की तारीफ नहीं करनी चाहिए उस वे में। तो आप समझ रहे हैं कि ये किस वे में जा रहा है। I'm like the string, not the cat. I'm the string, Babkin. But you told me one day I want, one day I don't want. Like belly dancer. Like belly dancer? Babkin, I'm not a belly dancer, dude. Get that stuff out of your head. You know, why you could... There's boundaries, Babkin. When you're in a relationship, you shouldn't be flirting with other men, okay? You should keep your language so that you're not leading other men on. Okay. Listen, don't you understand? And talking about my eyes, you have him right next to you. He's right next to you. I can by hand. It's not good behavior, Babkin. हालांकि हमको पूरे पॉडकास्ट में कई जगहों पर ये सब सुनने में मिला कि आई रिस्पेक्ट देम, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, दिस इज अ ग्रेट मैच। तो ऐसे कई सारे न्यूज़ और कई सारे क्वेश्चंस आए, कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, कुछ आने वाले वीडियोस में आने वाले हैं। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
पूछा गया डेवॉन से कि आपको डेनिस के लिए अभी कोई रिस्पेक्ट है या नहीं है, सो या मतलब आपको आप उनके प्राइम फॉर्म से डरते थे या अभी वाले फॉर्म से डरते हो, सो उस पे डेवॉन ने कहा कि मुझे है ना अभी वाला जो डेनिस है वो ज्यादा पावरफुल ज्यादा स्ट्रांग लगता है. व्हाई? बिकॉज पहले के टाइम पे डेनिस उसको इस तरह से होल्ड बैक करके या पीछे से घुमा के अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, बट अभी काफी अग्रेसिव लग रहे हैं डेनिस. सो डेवॉन को अभी उन्होंने ऑफिशियली मतलब सीधा एडमिन ने बहुत कोशिश की बुलवाने की कि प्लीज से, एंड उन्होंने कह दिया कि हाँ अभी वाला डेनिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगता है. व्हिच डेनिस वाज मोर डेंजरस for you right now, like his old style, the holding and going side pressure, or the Dennis? No, he's better. In my opinion, he's better now. Like, he arm wrestles better now. I think his training is more dialed in now. He has Babkin as a mentor, so Babkin's helping him. So this is a big change. I'm not talking about that. Which Dennis would be stylistically more dangerous for you? Because the other one would be attacking sideways. I do think he's better now. I do. वहीं पे जैसे ही उसका रिप्लाई हुआ, डेनिस ने सीधा सीधा कहा कि या ओके आई एम बेटर. तो ऐसा कुछ सीन हुआ था उस पॉडकास्ट में. कोई भी इंसान मतलब ऐसा नहीं था कि जो सेटल करना चाहता था कि हाँ भाई ठीक है भाई. रिस्पॉन्स पे रिस्पॉन्स आए जा रहे थे. उसके बाद में एक कमेंट आया कि जो डेनिस के लिए था कि आपकी साइज जो चेंज हुई है तो आपको पहले ज्यादा स्ट्रांग लगता था कि अभी ज्यादा स्ट्रांग लगता था. तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ज्यादा स्ट्रांग था, अभी मैं वो स्ट्रांग पे पहुंच रहा हूँ, ऑन टेबल मैं पहुंच रहा हूँ. लाइक उन्होंने क्या ये कहा कि मेरा पहले का जो वर्कआउट था एंड अभी का जो वर्कआउट है वो टोटली चेंज हो चुका है. तो मैं अभी जो टेबल पे हूँ वो टेबल पे धीरे 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 मैं उस फॉर्म पे आने की कोशिश कर रहा हूँ. सो ये भी एक चीज है. अगर मतलब सपोज जस्ट इमेजिन डेवॉन को लग रहा है कि वो ऑलरेडी प्राइम बहुत पावरफुल हो चुके हैं एंड डेनिस को अभी भी अपने आप पे उतना स्ट्रांग फॉर्म नहीं आया, ही फील्स लाइक कि मैं अभी और स्ट्रांग हो सकता हूँ एंड अभी 4.5 हफ्ते बाकी हैं वो मैच को. ड्यूड क्या से क्या हो सकता है. हालांकि जो परसेंटेज हुआ था डेवॉन वर्सेस उसका, डेवॉन वर्सेस डेनिस का, लोग पसंद कर रहे हैं तो डेनिस को ज्यादा मिला था. इस पे अरमिन ने ये सवाल भी उठाया कि लास्ट टाइम पे जब लेवॉन और डेवन का हुआ था तो उसमें भी यही हुआ था कि स्टार्टिंग में डेवॉन को बहुत कम था, लेवन को बहुत ज्यादा था, बट धीरे 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 करके एंड में डेवॉन लैरेट का बहुत ज्यादा बढ़ गया था. सो इस पे भी जब बात हुई कि अभी डेनिस का बहुत, डेवॉन ने कहा कि वो अभी नया नया ऐसा ब्लूम किया है तो लोगों को लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है. ठीक है, बट बाद में मैं बता दूंगा. ठीक है, एंड मेन बात जो मुझे पूरे इनके पॉडकास्ट की ये लगी कि डेनिस ज्यादा नहीं बोलते हैं, डेनिस बस शांत रहता है, हंसता है, जैसे जो उसको बैपकेन बोलेगा वो बोलेगा, जो बैपकेन नहीं बोलेगा वो शांत रहेगा. बैपकेन कहेगा ट्रैश टॉक कर तो वो ट्रैश टॉक करेगा, बैपकेन बोलेगा नहीं. मतलब डेनिस को अच्छा नहीं लगता, उसके उनके फेस देख के हम बता सकते हैं कि उनको ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, उनको ये कॉन्टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा, बट उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है क्योंकि उनको बैपकेन के साथ में रहना रहता है. भले उनके बैपकेन मैनेजर जैसे है बट ये चीज़ तो हम खुद ही देख रहे हैं कैसा हो रहा है उनके साथ में. हालांकि वही अपोजिट साइड पर डेवॉन एकदम ओपन, जो उनके मुंह में आ रहा था बोले जा. पैवलोव भी बैठे थे जो कि सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे थे रशियन टू इंग्लिश, वो उनको भी झाड़ दे रहे थे कि भाई तुम जो रशियन बोल रहे हो मतलब जो मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर ट्रांसलेट कर रहा है ना, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ तो नहीं कर रहा है बैकेन के जैसे. सो ये सारी चीज़ें थी. उसके बाद में अरमिस ने पूछा डेनिस से कि इज दिस मैच इज पर्सनल नाउ, तो उसका रिप्लाई आया कि नहीं मैच अभी भी एक प्रोफेशनल स्पोर्ट लेवल पे ही है, क्योंकि हम डेनिस से वही रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वो ज़्यादा फॉर्म में या ज़्यादा ट्रैश टॉकिंग के मूड में नहीं रहते हैं, ही इज़ अ वेरी चिल गाय. उन्होंने ये कहा कि अभी भी वही माहौल है, अभी भी वही चल रहा है, स्पोर्ट्स है. He said, no, this is a still
just a sporting competition. And he said, I don't really pay attention to whatever videos are out there or has been sent. But वहीं पे बीच में हमको डेवॉन फ्लेक्स करते हुए भी दिखाई दिए कि वो प्रॉपर फ्लेक्स कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं लीन हो गया हूँ. वो ऐसे अपना फुल फ्लेक्स करके अपने फोर आर्म्स दिखा रहे थे. एंड गाइस ड्यूड सीरियसली उनका जो वेट लॉस हो रहा है वो काफी कूल था. मतलब मजा आ गया भाई देख के. आपको ऐसे और कंटेंट चाहिए आर्म रेसलिंग के रिलेटेड और इस जो पॉडकास्ट हुआ था इसके ऊपर और वीडियोस आने वाले हैं, तो अगर आपको उसकी हिंदी कमेंट्री चाहिए तो KSF Academy को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आप किसके साइड से, डेवॉन टेनिस आप डिसाइड करें और हमको कमेंट में बताते रहिए. अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय.